आइए और जानकारी लेते हैं किन समस्याओं को लेके ये जंतर मंतर पाए। सर आपका नाम? रामलाल, जिला हमीरपुर से हूँ मैं। और मैं अपनी बात ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी मेरे भाई बहन इस जंतर मंतर में रोड में सड़क में आ गए हैं, उनका एक ही कारण है कि हम 17 वर्षों से अपनी सेवा कर रहे हैं और हर विद्यालय में अच्छे ढंग से पढ़ाई लिखाई सभी छात्रों पर ध्यान दे रहे थे, लेकिन किसी कारणों बस या जो भी मंशा हो सरकार की, इस कारण से हम लोगों को निष्कासित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो निष्कासित किए गए, उस वजह से हम अपनी मांगों को रखे हैं कि हमें यथा स्थान फिर प्रदान किया जाए ताकि हम अपने लालन पालन करें अच्छे से, और हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हम रोड में आ गए हैं। और कृपया करके सरकार से हमारी यही अपील है कि हमें अध्यादेश ला करके हमें पुनः उसी पद पर पदस्थ किया जाए ताकि हमारा मान सम्मान बच जाए। यही मैं कहना चाहता हूं, यही मेरी गुजारिश है। अध्यादेश क्या है, किस उस अध्यादेश के अंदर क्या खूबियां हैं, क्यों उसे लाना चाहते हैं आप? ये इसलिए कि हम मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो है तो अवहेलना नहीं करना चाहते, ना ही कोई सरकार कर सकती है, परंतु हम लोग ये चाहते हैं। अध्यादेश का मतलब ये है कि कानून में संशोधन करके अध्यादेश लाने से हमारी नौकरी बच सकती है और हम लोग पुनः उसी पद पर पदस्थ हो सकते हैं। नौवीं अनुसूची जो है संविधान की, उस पर कानून लाया जा सकता है। ये हमारी सबसे पहली मांग है और अध्यादेश ही लाकर हमारी नौकरी बचाई जा सकती है। एक ही हमारा केवल विकल्प है, अध्यादेश। अध्यादेश एक ही विकल्प है कि अध्यादेश लाएंगे तो हमारी नौकरी बच सकती है। और वो अध्यादेश के बारे में बताया, आइए और जानकारी लेते हैं कि इनकी मांगे क्या हैं। सर आपका नाम? विनय यादव, जिलाध्यक्ष अलीगढ़। यादव जी, आज आपको 2 दिन हो गए धरना प्रदर्शन करते हुए, आपको अभी किसी पार्टी का सहयोग मिला यहाँ पर? नहीं, हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से, क्योंकि वो आज सत्तासीन है, उनसे हम गुहार लगा रहे हैं। गुहार नहीं लगा रहे, अगर हमें आक्रामकता की भी आवश्यकता पड़ी तो हम सबसे पहले, हमने 3 दिवसीय धरना जनपद स्तर पर दिया, उसके बाद 3 दिन लखनऊ भी दिया है, उसके बाद हम दिल्ली पर आए हैं। हम शिक्षक हैं, हम शिक्षक की मर्यादा किसी कीमत पर नहीं खोना चाहते हैं, बशर्ते ही हमें शिक्षक मानने से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया हो। यादव जी, क्या अंतर है शिक्षा मित्र में और सहायक अध्यापक में? मैं बता देना चाहता हूँ, जिस समय माननीय कल्याण सिंह जी हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, उस समय 3 तरह के उच्च शिक्षा में, माध्यमिक शिक्षा में और प्राथमिक शिक्षा में, राजकीय विद्यालय में जो संविदा शिक्षक राजकीय डिग्री कॉलेज में नियुक्त किए गए थे, वो भी नियमित हो गए, किसी को कोई आपत्ति नहीं। माध्यमिक विषय विशेषक की नियुक्ति हुई, मेरा नंबर स्वयं मुरादाबाद में आया था, वो अध्यापक भी नियमित हो गए, वहाँ भी कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जैसे ही प्राथमिक शिक्षा में शिक्षा मित्रों का समायोजन सहायक अध्यापक के लिए परमानेंट किया गया, तो वहाँ समाज को या हमारे विरोधी तत्वों को या जो बीएड डिग्री धारकों ने हमारे खिलाफ जो रिट डाली, जबकि मैं मानता हूँ कि उनकी तो अहर्ता ही नहीं है, उनकी अहर्ता केवल और केवल माध्यमिक शिक्षा के लिए है। धन्यवाद। आइए सर, आइए और जानकारी लेते हैं कि इन्होंने 17 साल शिक्षा मित्र में सेवा की और इनकी मांगे क्या हैं। सर आपका नाम? दक्ष यादव नाम है मेरा जी। दक्ष यादव जी, आप जंतर मंतर पर आए हैं तो आपकी क्या मांग है, किन मांगों को लेकर आए हैं? देखिए, आज से 17 वर्ष पूर्व से हमने सेवाएं देना बेसिक शिक्षा विभाग को शुरुआत की थी, तब ये स्थिति थी कि प्राथमिक शिक्षा विभाग में 70% विद्यालय बंद थे, हम लोगों ने 2,250 पढ़ाया और आज हमें 17 वर्ष होने जा रहे हैं। इस बीच सरकार ने हमारा बीटीसी का जो प्रश्न था वैध माना। कोर्ट ने स्वयं टिप्पणी की कि इनके अनुभव के आगे टेट और ये कोई चीज़ नहीं टिकती। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हमारे विपरीत रहा। हम माननीय मोदी जी ने बनारस में अपने संकल्प पत्र में घोषणा की थी, हजारों लाखों शिक्षा मित्रों के सामने कहा था कि 3 महीने के अंदर अगर हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है तो शिक्षा मित्रों की समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। और इससे अच्छा समाधान क्या किया, हम लोग सड़कों पर उतार दिए, हमारी रोजी रोटी चली गई, हमारे 3 दर्जन साथियों ने आत्महत्या कर ली। 3 दर्जन? 3 दर्जन साथियों ने लोगों ने नहीं, 36 लोग होते हैं। और सारे शिक्षा में सड़क पर उतर आए हैं, जिला स्तर पर प्रदर्शन कर चुके हैं, लखनऊ स्तर पर प्रदर्शन हुआ हमारा, अब जंतर मंतर पर बैठे हैं। और जब तक अध्यादेश का भी जो आप जिक्र कर रहे थे, हम 9वीं अनुसूची में कानून में संशोधन चाहते हैं। ऐसा अभी नहीं, 311 बार हो चुका है, पहले भी हो चुका है, कई वैसे मामलों में हो चुका है। हम तो 1,72,000
जलीकट्टू जैसे मामले हो चुका है, 1,72,000 का मामला है, कम से कम 20 लाख परिवार प्रभावित होंगे इनसे। और सरकार चाहे कितनी भी कुर्बानी ले ले, 36 हमारे साथी चले गए और चले जाएं, लेकिन हम अध्यादेश से पीछे नहीं हटेंगे। और अध्यादेश नहीं मिलेगा तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हम लोग चाहे कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, शिक्षा मित्रों को अध्यादेश की मांग को पूरा कराएंगे। 9वीं अनुसूची में हम परिवर्तन चाहते हैं। हमारे हम टेट वालों के भी साथ हैं, हम सामान्य लोगों के भी साथ हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सरकार हमें दरार डालना चाहती है। हम 1,72,000 सभी लोगों की बात करना चाहते हैं कि इनको समायोजित सृजन किया जाए हमारा। हमने हम ये चाहते थे, हमने अपील भी की लोगों से कि हमारे लोगों का अगर आप वो नहीं कर सकते तो 4 साल का समय तब तक हमारी नौकरी जारी रहती, इस टाइप का कोई पेश करते, लेकिन सरकार ये चाहती है कि हम 10,000 मानदेय पर काम करें, ये हमें मंजूर नहीं है। यादव जी, जिस स्कूल के अंदर आप पढ़ाते थे तो जो बच्चे वहाँ स्कूल के अंदर आते थे, उन गार्जियंसों की, उन अभिभावकों की क्या प्रतिक्रिया आप लोगों के साथ? आप साहब ये बताइए, हमसे बड़ी सेवा किसने की है? हमने 2,250 पढ़ाया है, 70% विद्यालय बनते हैं। आपसे कह रहे हैं, दिल की बात कह रहे हैं। अभी हमारे एक साथी महेश संघर्षी ने कहा था कि मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो प्राइमरी में हेडमास्टर हैं और अंग्रेजी में नाम लिखना नहीं जानते हैं। आप, हमने तो 2 साल का BTC प्रशिक्षण किया है, स्वयं हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने वैध माना है। आप हमारी विडम्बना समझ लीजिए, BTC प्रशिक्षण सरकार सभी को देती है, वो हमने किया है, 17 साल का अनुभव भी है हमारे साथ। मात्र अध्यापक LGT टेस्ट के आधार पर आप हमको निकालना चाहते हैं तो ये उचित नहीं है। सरकार को, मोदी जी को इस संदर्भ में अपना कदम उठाना चाहिए। सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से आप किस प्रकार की अपील करना चाहते हैं? देखिए, हम ये चाहते हैं कि सरकार अध्यादेश लाए और अध्यादेश में जो हमारे शिक्षा मित्रों का जो 2010 से पहले लगे हैं, 2010 के बाद तो कोई है ही नहीं, 2008 से पहले लगे हैं, तब अध्यापक LGT टेस्ट नहीं होता था, सारे लोग ऐसे ही हैं, तो हमारे साथ ही क्यों होगा सब? आप बताइए, जो सबके साथ हो रहा है वो हमारे साथ होना चाहिए। टेट की बाध्यता ख़त्म कर दीजिए, हम ये चाहते हैं। आपने 17 साल पढ़ाया, पढ़ाने के बाद में आप वो कहते हैं कि आप टेट क्वालिफाइड करें, यही मसला है ना? तो मतलब ये जब पढ़ाने के बाद में वो टेट की ये मसला आता है तो कहाँ तक संभव है ये? अरे आप ये बताइए, 2010 से पहले ना तो जो और भी टीचर हैं जो आपने लगाए 72,000 लगाए या उससे पहले जो भी 34,000 भर्तियाँ की हैं, जो भी की हैं आपने, उसमें कोई टेट नहीं था। और उसी से पहले हम लोग 2008 से पहले के लगे हुए हैं, उनके साथ ये व्यवहार, ये कानून और हमारे साथ ये कानून, ये उचित नहीं है। एक देश में दो कानून कैसे चल सकते हैं, आप बताइए। बहुत बड़ी विडम्बना है कि जो लोग 17-18 साल तक अपनी सेवा देते रहे, आज कुछ लोग इस करार पे हैं कि ये कहीं मजदूरी करने के लायक नहीं रहे और ना ही इन्हें कोई मजदूरी देगा। कुछ की उम्र ओवर एज हो गए हैं, आंखों के अंदर आंसू झलकते हैं, बच्चों को पालने के लिए इनकी बड़ी विडम्बना है। आइए, हमारे बीच के अंदर एक महिला भी हैं, और महिला जहाँ जेंट्स हैं उन्हीं के साथ में जो शिक्षा मित्र का काम कर रही हैं, महिला भी बहुत तादाद के अंदर यहाँ प्रत्येक जिले से हमारे बीच में आई हैं, और कुछ महिलाओं ने अपनी विडम्बना को इस कदर कहा, इस अपनी बात को केंद्र सरकार तक इस तरीके से रखा है, कविता के माध्यम से, गाने के माध्यम से। ऐसी एक हमारे बीच में एक महिला है, आइए हम उनसे जानकारी लेते हैं। मैडम, आपका नाम? भुवनेश्वरी शर्मा। भुवनेश्वरी शर्मा जी, आप यहाँ जंतर मंतर पर आए, क्यों आए, क्या कारण आपका यहाँ आने का? अपना मान सम्मान, अपना अधिकार, अपना अपनी नौकरी, अपना स्वाभिमान वापस लेने आए हैं, जो हमसे सुप्रीम कोर्ट ने और सरकार ने छीन लिया है। बताइए हम कहाँ जाएं? पिछले 17 साल से 1700, 2200, 2500 और फिर 3,000, 3500 की सैलरी लेते आए, और वही जब हमारी 35-40 हो गई तो लोगों के पेट में दर्द होने लगा, लोगों ने स्टील डाल दी, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हमको आज उन्हीं लोगों ने सड़क पर ला कर रख दिया है। एक भी बार सुप्रीम कोर्ट ने या सरकार ने ये नहीं सोचा कि जो इतना व्यक्ति 1,72,000 17 साल से हमारे विद्यालयों को संभाल रहा है, अपने घर की तरह बच्चों को पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, अपने बच्चों की तरह बिल्कुल, उसको हम कैसे सड़क पर फेंक सकते हैं? उन्होंने तो स्वच्छ भारत अभियान चलाया, उसके तहत हमको कूड़ा घोषित कर दिया और सड़क पर छोड़ दिया। जहाँ जेंट्स हैं उन्हीं के साथ में जो शिक्षा मित्र का काम कर रही हैं, महिला भी बहुत तादाद के अंदर यहाँ प्रत्येक जिले से हमारे बीच में आई हैं, और कुछ महिलाओं ने अपनी विडम्बना को इस कदर कहा, इस अपनी बात को केंद्र सरकार तक इस तरीके से रखा है, कविता के माध्यम से, गाने के माध्यम से। ऐसी एक हमारे बीच में एक महिला है, आइए हम उनसे जानकारी लेते हैं। मैडम, आपका नाम? भुवनेश्वरी शर्मा। भुवनेश्वरी शर्मा जी,
आप यहाँ जंतर मंतर पर आए, क्यों आए, क्या कारण आपका यहाँ आने का? अपना मान सम्मान, अपना अधिकार, अपना अपनी नौकरी, अपना स्वाभिमान वापस लेने आए हैं, जो हमसे सुप्रीम कोर्ट ने और सरकार ने छीन लिया है। बताइए हम कहाँ जाएं? पिछले 17 साल से 1700, 2200, 2500 और फिर 3000, 3500 की सैलरी लेते आए, और वही जब हमारी 35-40 हो गई तो लोगों के पेट में दर्द होने लगा, लोगों ने स्टील डाल दी, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हमको आज उन्हीं लोगों ने सड़क पर ला कर रख दिया है। एक भी बार सुप्रीम कोर्ट ने या सरकार ने ये नहीं सोचा कि जो इतना व्यक्ति 1,72,000 17 साल से हमारे विद्यालयों को संभाल रहा है, अपने घर की तरह बच्चों को पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, अपने बच्चों की तरह बिल्कुल, उसको हम कैसे सड़क पर फेंक सकते हैं? उन्होंने तो स्वच्छ भारत अभियान चलाया, उसके तहत हमको कूड़ा घोषित कर दिया और सड़क पर छोड़ दिया।